दोस्तों वेलकम टू डिजिटल आइडल। डिजिटल आइडल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कोई भी चैनल, कोई एक यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें और उसमें कैसे कस्टमाइज़ करें, कैसे हम लोग वीडियो जो भी बैनर है या फिर जो भी हमारा डीपी है वो हम लोग उस यूट्यूब में कैसे अपलोड करें और हमारे बैनर में हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर का किस तरह से लिंक दें, ये सारी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बस इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बस वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो ये बस इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों YouTube चैनल खोलना एक बहुत ही इजी टास्क है, बहुत ही इजी टास्क है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, ओ माय गॉड YouTube चैनल कैसे खोलें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक YouTube चैनल क्रिएट करना है, मुझे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने हैं। लेकिन बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है कि क्या करें, कैसे करें। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप आराम से यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सिर्फ जीमेल आईडी क्रिएट करना है। जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद आपको YouTube से लॉग इन कर लेना है। तो ये देखिए मैंने Google Chrome ओपन किया, यहाँ पर मैं YouTube टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने www.youtube.com यहाँ पर टाइप किया है। टाइप करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर पे एक ह्यूमन का ये सिंबल दिखेगा, आपको उस सिंबल पे क्लिक करना है। जैसे ही सिंबल पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आता है, साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका अकाउंट है उस अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। अकाउंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको पासवर्ड क्रिएट मांगेगा, आपको बस अपना यहाँ पर एक पासवर्ड दे देना है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद ये देखिए मैं यहाँ पे डिजिटल आइडल के नाम से यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर जो योर चैनल है यहाँ पर आपको क्रिएट चैनल दिखेगा। तो जैसे ही क्रिएट चैनल कीजिएगा आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद आपका चैनल क्रिएट हो चुका है। है ना इजी तरीका, बहुत ही इजी। तो जैसे ही क्रिएट चैनल आप कर देते हैं तो उसके बाद जैसे ही क्रिएट चैनल कर दीजिएगा फिर से आपको इसी पे क्लिक करना है। इसी पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से डिस्प्ले शो होने लगेगा, इसमें आपको योर चैनल रहेगा, यहाँ पे यूट्यूब प्रीमियम, आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना है वो ले लीजिए, इसके सेटिंग्स रहेंगे, आप सेटिंग्स भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फिलहाल कि योर चैनल में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप योर चैनल पे आइए। योर चैनल पे आने के बाद ये आपका होम में टोटल दिखाएगा, ये यहाँ पे आपको लोगो दिखाएगा, लोगो के साथ आपका ये बैनर दिखाएगा। तो ये लोगो और ये बैनर जो है अपर में, ये दोनों आप चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले से ही चेंज करके रखा है, आपको बस कुछ नहीं करना है, एक लोगो बनाना है, एक बैनर बनाना है, वो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊँगा। और उस लोगो और बैनर को बनाने के बाद इसको आप आराम से इसमें ब्राउज़ कर लीजिए। जैसे ही आप ब्राउज़ कीजिएगा तो ये आपका आराम से यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा, जैसे मेरा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं ये करूँगा तो उसके बाद अगर आपको कुछ सेटिंग्स इसमें करना है तो आप इसमें आइए, ठीक है। ये देखिए मैं बैक कर रहा हूँ, बैक करने के बाद ठीक है, तो मैं आपको थोड़े से सेटिंग्स इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए सेटिंग्स में आया मैं। जैसे ही सेटिंग्स में हम लोग आएंगे तो सेटिंग में आपका अकाउंट दिखाएगा। तो जो अकाउंट आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड में रखना है, नहीं रखना है, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। आपको अगर हिस्ट्री क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर हिस्ट्री कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मेम्बरशिप लेना है तो यहाँ पर पेड मेम्बरशिप पर क्लिक करके ले सकते हैं। आई होप यू गाइज आर नॉट वॉन्ट यू गाइज डू नॉट वॉन्ट टू टेक द मेम्बरशिप, ओके, वो तो बात की बात है। तो अभी यहाँ पर हम लोग योर चैनल पर जाएंगे। योर चैनल पे जाने के बाद अगर आपको कोई भी वीडियो, जो भी आपकी वीडियोस रहेगी, वीडियोस में आ जाइए, वीडियोस में आपका सारा वीडियोस डिस्प्ले होगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बैनर में मुझे YouTube, Facebook बहुत लोगों का देखा है मैंने, तो मेरा कैसे आएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको बस इस पर राइट क्लिक, मतलब ये थ्री डॉट है अपर राइट कॉर्नर पर, ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है। डेस्कटॉप साइट पर आना है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड में ओपन होने के बाद आप अपने सिंबल पर क्लिक कीजिए, जो आपका अपर राइट कॉर्नर में सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही क्रिएट कीजिएगा तो ये देखिए आप देख सकते हैं मेरा एक बैनर में शो हो रहा है फेसबुक, ट्विटर और
ये इंस्टाग्राम। तो बहुत लोग पूछते हैं कि ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आपने बैनर में कैसे लाया। तो बैनर में लाने के लिए बहुत ईजी है, बस इसमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना। जैसे ही कस्टमाइज चैनल पे आप क्लिक कीजिएगा, ये आपको कस्टमाइजेशन मोड में ओपन हो जाएगा। और आपको अगर कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना है अपने चैनल के बारे में कि आप जो चैनल है आप किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, और मतलब आप क्रिएट कर रहे हैं और आपको क्या क्या डिस्क्रिप्शन देना है कि किस मतलब क्या आपका ये स्ट्रैटेजी है कि ओके हम चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो किस मतलब क्या क्या हम इसमें कंटेंट डालें, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिए आप अबाउट, यहाँ पे ऑप्शन है अबाउट में, आप अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको अगर आपका फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, तो आप यहाँ पर आराम से डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर 3 लिंक मैंने क्रिएट किए हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर ही क्रिएट लिंक करके यहाँ पर ये देखिए ऐड चैनल्स का ऑप्शन है, ऐड चैनल्स का ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से चैनल का नेम दीजिए और चैनल का यूआरएल दे दीजिए। जैसे ही चैनल का नेम और यूआरएल दीजिएगा, आपका ये इस तरह से लिंक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए ये 3 लिंक मैंने दे दिया है। जैसे ही ये 3 लिंक यहाँ पर क्रिएट होता है, आपका ये आराम से इस जगह पे शो होने लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अपर राइट में ये देखिए फेसबुक, ट्विटर और यहाँ पर आपका ये देखिए यहाँ पर आपको आराम से शो हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आराम से लोगो और ये बैनर के साथ आप ये 3 आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के चैनल के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप अपना किस तरह से बैनर बनाइए, ये देखिए जो मैंने बैनर बनाइए किस तरह से बनाइए, या फिर अपने अकॉर्डिंग, या फिर ये जो लोगो है लोगो किस तरह से बनाइए। तो ये दोनों वीडियोस मैं आपको बाद में डाल के आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डालने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शबक है, शुभरात्रि।